हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपकी बायोलॉजी जो किताब है, बायोलॉजी बुक है, उसमें का चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है श्वसन, जिसके बारे में आप अपनी कोचिंग में पढ़ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं श्वसन जो टॉपिक है, उससे जो भी VVI प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं या पूछने की बहुत अधिक संभावना होती है, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और उसका उत्तर भी देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो है और बहुत ही कम समय में आपको अच्छा जानकारी मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद है, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो सबसे अंत में क्या बनता है, ठीक है? इसी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। H2O का मतलब क्या होता है? H2O का मतलब होता है जल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये H2O है, तो H2O का मतलब होता है जल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में ऊर्जा भी, यानी ऊष्मा बनता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है जल बनता है और ऊर्जा बनता है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है और ऊर्जा भी बनता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप कमेंट में बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो साथ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके साथ में जल भी निकलता है और गर्मी भी निकलता है, यानी ऊष्मा भी निकलता है। कहिएगा जल कहाँ से निकलता है? तो आप देखे होंगे जाड़ के मौसम में, जब हम लोग अपने सर को यानी मुंह को ढक के सोते हैं और फिर मोबाइल चलाते हैं, तो देखते होंगे कि जो मोबाइल का स्क्रीन होता है पूरा क्या होता है? छोटे छोटे बूंद से, पानी के कण से भर जाता है, ठीक है? या आप ऐसे ढक के और सांस लेंगे छोड़ेंगे, तो ऐसे पता चलेगा कि उसमें से थोड़ा थोड़ा जल का मात्रा भी निकलता है, ठीक है? आइए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे में श्वसन होता है, यानी पौधा जो होता है उसमें श्वसन का काम कहाँ होता है? श्वसन का क्रिया जड़ में होता है कि पत्तियों में होता है कि तनों में होता है या इनमें से सभी में होता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पौधे जो होते हैं उसमें श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो आप कहेंगे 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी में होता है, यानी पौधे जो होते हैं जड़ से भी श्वसन की क्रिया कर सकते हैं, पत्ती में भी तो करते ही हैं, तना में भी कर सकते हैं, इनमें से सभी। आप कहेंगे आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, हम तो अभी तक पढ़े थे कहाँ केवल पत्तियों में होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पौधे होते हैं उसका सभी पत्ता कभी ना कभी झड़ जाता है पतझड़ के मौसम में, तो यदि श्वसन की क्रिया केवल पत्ता में होता तो पौधे क्या होते हैं? सूख जाते, मुरझा जाते। तो ऐसा नहीं है, कैसा है? पौधों में जो होता है श्वसन की क्रिया पत्ता में भी हो सकता है, जड़ में भी हो सकता है जड़ की मदद से, और तना की मदद से भी उसमें श्वसन की क्रिया हो सकती है। तो आप अच्छा से समझ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। कैसे? आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे यदि आपसे कोई कहता है नहीं केवल पत्तियों में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यदि केवल पत्तियों में होता तो जब पौधे के सभी पत्ते झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं पतझड़ के मौसम में, तो क्या होता? पौधे सूख जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पौधे जो होते हैं वो अपने तना यानी जो डाढ़ी होता है उसके मदद से भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं, जड़ के मदद से भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं। जड़ से कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल हो सकता है, जब हम लोग किसी पेड़ को जड़ से काट देते हैं पूरा, तो भी क्या होता है? कुछ समय बाद जो हम लोग काटे रहते हैं और थोड़ा सा उसमें छूट जाता है ज़मीन के अंदर, उसमें से नए नए कोमल कोमल पत्ताएँ निकलने लगती हैं, डाढ़ियाँ निकलने लगती हैं। इससे क्या पता होता है कि पौधे जो होते हैं अपने जड़ की मदद से भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वायवीय, ऑप्शन नंबर बी में अवायवीय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी दो एक, ऑप्शन नंबर एक भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर दो भी हो सकता है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का बताइए क्या हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। मछली का श्वसन अंग है, यानी मछली किस अंग से श्वसन क्रिया करती है?
ट्रेकिया से करती है, कि गिल्स से करती है, कि त्वचा से करती है, कि फेफड़ा से करती है? तो आप कहेंगे जो मछली होती है वो गिल से श्वसन क्रिया करती है, मनुष्य किससे करता है तो फेफड़ा से श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 10 और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है 6। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यदि आप जानते हैं तो, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं कोई अलग से ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, सब प्रश्न कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हो सकता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एडीपी, ऑप्शन नंबर बी में एटीपी, ऑप्शन नंबर सी में डीडीपी, ऑप्शन नंबर डी में पीडीपी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एडीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वायवीय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवायवीय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आप बताएंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवायवीय में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। 9 नंबर प्रश्न में देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हरित लौ में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है केंद्रक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न 2012 में पूछा गया है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं बगल में भी लिखा गया है, ठीक है, कब पूछा गया प्रश्न है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा गया, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यानी पौधे जब श्वसन की क्रिया करते हैं उस समय एडीपी जो है, एडीपी इसके टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है, 30.5 किलोजूल पर मोल, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया 305 किलोजूल पर मोल और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है 3.5 किलोजूल पर मोल और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 11 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये प्रश्न आपको ऊपर भी पहले वाले क्वेश्चन में मिला होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय, वायवीय जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, अवायवीय हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी में कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आशा करता हूँ कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको आप याद कर लेंगे, 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र का मतलब तो आप जानते ही होंगे, पौधों के जो पत्ता होता है, पत्ते में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बारीक सा छिद्र होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र। इसमें से कौन से पौधे हैं जिसमें रंध्र नहीं होता है, अनुपस्थित का मतलब नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नागफनी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कनेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रिला। हाइड्रिला में क्या होता है, हाइड्रिला का जो पौधे के पत्ते होते हैं उसमें रंध्र नहीं होते, उसमें रंध्र नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं उसका। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न,
किण्वन क्रिया पाई जाती है, यानी किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमीबा, ऑप्शन नंबर बी में ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका सही उत्तर ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट में किण्वन की क्रिया पाई जाती है। लास्ट प्रश्न 15 नंबर, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, यानी कौन सा जीव है जो अपनी श्वसन की क्रिया ट्रैकिया की मदद से करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टार फिश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉकरोच, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया है पाइला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है अपने श्वसन की क्रिया किसकी मदद से करता है? तो ट्रैकिया की मदद से करता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको नया जानकारी मिला होगा, या आप ये सभी प्रश्नों को पहले से ही जानते होंगे तो भी आपको देखने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।